चलो जी, थ्री थ्रू थ्रन असनाकम नारे नारे कोई नूल चैनल के हाजिल अजीज प्रोग्राम। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपने। नसरीन ये प्रोग्राम वो टेक बा, मैं आपको एक बात बता दूं, बता दो ना, नाशपान मसाला ये कमर्शियल नहीं थी, ये मुफ्त में ही बस निजाम हो गया। नर पहले हम इस प्रोग्राम में विक्टम सिट डाउन कराते थे, उनके मसाइल हल करते थे, लेकिन नाजिन लोगों ने हमें बड़ा इजी लाना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे विक्टम आए का जो अपना मेरे साथ इस वक्त जो बैठे हैं नाजरीन आपके सामने, शटर जो थे कड़ी रोड के थे, प्रोग्राम जागा पाई। अब मेरे साथ इधर मेरी एक को होस्ट बैठी है मुअज्जमा, मगरब से आने वाली एक मशरकी लड़की जनूबी अफ्रीका में आके शुमाल हो गई। सज्जाद से तो अब तारफ किसी के मुस्कोड़ा हटो पे हो निशार का। आपका तारफ करा दू? नहीं नहीं, रहन दो। नहीं अगर कितने मैं कराना पै जाए तेरा तारफ तो मैं की क्या करूँ? नहीं तुम रहन दो मेरा तारफ। फर्ज करे यार, देखना मैनू मतलब कोई पुछता कि पैना थोड़े सजी साइड से लाश जी कड़ी बैठी है, तो मैं उन्होंने दसा तो सही भी पाजा ने है कौन है मौजमा जी। आज का कोई हॉट इशू जी? आजकल एक गेम जो है वो काफी इन जा रही है ब्लू वेल के नाम से, इसने फॉरेन कंट्रीज में जो है वो काफी बच्चों को सुसाइड करने पे इंसिस्ट किया, और अब इसने मूव किया पाकिस्तान की तरफ। इंडिया में भी इसके कुछ केसेस देखने में आया, और हाल ही में पाकिस्तान में भी एक केस देखने में आया जिसमें उसने एक बच्चे को जो है वो इंसिस्ट किया सुसाइड के लिए। जरा दोबारा कहे गेम और वो सुसाइड करते हैं लोग जी? राउंड आप कह सकते हैं उसको, 50 राउंड हैं। लास्ट राउंड में वो आपसे ये डिमांड करता है कि आप सुसाइड कर लें। 50वीं स्टेज तक जाकर? हाँ जी, 50 तक जो पहुंच जाते हैं उनको ये डिमांड की जाती है कि अब आप सुसाइड करें, नहीं तो आपकी फैमिली में से किसी को नुकसान पहुंचाया जाएगा। यानी वो पहुंचाएंगे जी बोंगे? ये दुरुस्त है जो ये? मैं सुने ही है बूटा जी, मैं भी, मैनू तो नहीं यकीन आता, क्योंकि जी गेम होंगी ना एक एप्लीकेशन, वो तो एक गेम होती है। नहीं एक एप्लीकेशन होती है ऑनलाइन, उधर बंदे नहीं बैठे होंगे। हाँ जी, ए जी गल कर रहे ना, ये उदो हो सकता जो ऑनलाइन अगे ताड़े नाल ऑनलाइन को बंदा चैट भी कर रहा हो। तो वो व्हाट्सएप नंबर लेते हैं ना आपसे, आपका वो व्हाट्सएप पे आपसे कॉन्टेक्ट में रहते हैं। वो तो एक बंदा है जिसने गेम बनाई है, वो लड़का जो है जी। तो अब पीछे टीम कौन सी बैठी हुई है? एक मिसाल मैं क्या पता, अब ये न्यूज में जो है करंट इश्यू जो है। नहीं मैं एक टेक्निकल बात कर रहा हूँ कि आप देखे ना, एक एप्लीकेशन बन गई जैसे व्हाट्सएप है ना जी, वो एक बना के उन्होंने दे दिया, आपने इंस्टॉल कर लिया, अब वो व्हाट्सएप वाले मतलब पूरे पाकिस्तान के व्हाट्सएप के ऑनलाइन साथ साथ नहीं देखते भी ये क्या कर रहा है क्या। हाँ जब वो अपडेट करते हैं उसको तब वो एक नया वर्जन दे देते हैं, आप उसको अपडेट कर लेते हैं। ऐसी वो गेम बनी है, वो ऐप है, उसमें इंस्टॉल कर दिया होगा कि जी मतलब जो जो भी कर दिया होगा उसकी प्रोग्रामिंग, उसमें फीड कर दिया होगा कि जी ये ऐसे अब ये होगा जी, अब आप ये करें, वो स्टेप बाय स्टेप गेम जो उसने इंस्टॉल किया वो चलता। अब ये नहीं समझ आती जी कि वो मतलब बंदा कहता है जी आपको ये कर देंगे, कौन कहता है कि आपके घर वालों को नुकसान पहुंचा देंगे, ये कौन कहता है? ये कोई ऑनलाइन बंदा बैठा होता है उधर? जिस तरह ये अरशाद कह रहा है कि ये गेम है जी, बिल्कुल पीछे कोई आपको वो सारी फीड कर दी गई है, क्यों कमर? पीछे कोई फ्रेश एक्सटेंशन देने वाला कोई शख्स अदारा पर्सनैलिटी कोई मौजूद नहीं है। मुझे पता चला, मैंने भी उसको इंस्टॉल किया, आप 50वीं स्टेज ने मैंने क्या खुदकुशी, तो मैं कोठे जाके थले छाल मारी, दोबारा मैं उत्ते गया जाके मैं उन्होंने कहा हूं आगे की करना। अच्छा यानी तुम उठ के फिर चले गए? मैं आपको बताता हूँ जी जी, मैं उन्होंने कहा कि मैं छाल मार के आ गया, अगे की करना, मेरी गाल सुन के उन्हें जाके तो छाल मारता। हाँ जी, उन्हें मारनी सी ना, वो तो इंस्टॉल उसमें हो गया। ये अक्सर जो विक्टिम जो बच गए हैं कुछ लोग, उनका इंटरव्यू लिया गया यूट्यूब पे भी वो है, और न्यूज में भी ब्रेक हुई है ये चीज कि फिर उन विक्टिम्स ने बताया कि हम जब वो काम हमें एक टास्क दे दिया जाता था, एक राउंड हमें बता दिया जाता था कि आपने काम करना है, उसके बाद कहा जाता था कि आप इसकी पिक क्लिक करें, ब्लेड से आप हाथ पे कुछ बनाएं और उसकी तस्वीर खींच के ब्लेड से हाथ पर बाजू पर कट लगाएं या ब्लू वेल बनाए, इस तरह के जो है ना वो रिस्की टास्क दिए जाते थे, और उसके बाद ये कहा जाता था कि तस्वीर भेजें हमें कि आपने कोई प्रूफ दें कि आपने ये काम किया है। लिसन टू मी, अदरक प्याज लसन टू मी,
यार जो तो पिछे को बंदा ऐसा को बंदा बैठा नहीं हुंदा जरा ना ऑनलाइन चैट करे तो फिर ये की हिसाब किस तरह होगा उस एप्लीकेशन में ये लिखा होगा ना उर्दू मैं यहाँ या यहाँ तुम कहाँ मुझे उसने कहा कि आप ब्लेड से यहाँ अपने हाथ पे जाए कुछ लिखें तो पता नहीं कुछ भी लिखें वी आर सलूट माई हैंड ओपन ब्लीडिंग स्टार्ट इज ब्लीडिंग मोबाइल मोबाइल दिस साइड यहां पड़ा देयर शख्स इफ यू वांटेड द वो शख्स इज द हॉलीडे टूडे द हाउ एनी अर्सिंग बैक टू द कोई पर्सन होएगा बैक कमांड एनी ग्रो एनी शख्स एनी कोई गो पीछे बैठा है एंड उसको वॉचिंग करें या वो हर बंदे के साथ ऑनलाइन रابطے में है जो खेल रहा है और उसको एंड तक वो सुसाइड खुदकुशी करवाते हैं यू राइट इस तरह का कोई चक्कर नहीं वो बंदा पकड़ा गया है जिस लड़के ने बनाई है उसने कहा है जी कि ये गेम जो है ना ये मैंने जो मतलब वो लोग होते हैं ना जो मतलब नर्वस नहीं साइको होता है साइको नर्वस उनको जीने का कोई हक नहीं है नर्गस उन्हें क्या अपने बयान आई नो आई अंडरस्टैंड और ये लोग वही करते हैं जिन्हें मतलब होंगे ना साइको जे घर जेनी डिप्रेशन परेशान जैसा सब भी कमजोरी वाले वो ना वो दे काबू होंगे ने तुसी कर लो ताड़ा दे कोई टेंशन ही नहीं होनी ओ यार मैं स्टार की थी मैं खुदकुशी तो भी अगली स्टेज तक पहुंच गया मैं कहना तुसी ओ यार मैं अज किन्ने स्टेज पार करके मैं उन्होंने मैसेज किया हूं की करा उन्हें क्या कोई होर गेम इंस्टॉल कर ला रहन दे तू ब्लू वेल की गल करता मैं ग्रीन रेड भी करके खत्म करती हूं कोई गेम दस जी बंदा मुश्किल हो टास्क ने तुसी चौथे पंजे टास्क से उन्हें खुदकुशी कर लेनी जिन्हें बनाई हाँ वो कहें डरा फिल्मों भी देखो अच्छा पंजा टास्क ने वो ये भी कहें इतने बिलू वेल बनाओ मछली ओके वेल बनाओ बिलू वो कट के फिर तुम जनाब हॉरर मूविया देखो वो यार नहीं मैंने हॉरर मूवी देखी देखी मैंने कौन सी कोई मैं हॉरर मैं उन्होंने कहा कि मैं हॉरर मूवी देखी फिर उन्होंने मैं अपनी जी ना वो ज्यादा मेरे विह की मूवी बहुत ही डरावनी यार जो तुम हॉरर मूवी देखते जे ना तो जो बंदा गेम खेल रहा हों ना वो ट्रांस के फिर रहा हों बहर अंदर भी जाए वह ध्यान उस गेम वाल ही हों जो हॉरर मूवी देखता हॉरर मूवी मजीद वो दिमाग च कोई थोड़ा जहा डर खौफ यानी वो गेम जी ना लपेट लेंदी बंद अपने अपने नाल बंदा तो बहर नहीं फिर जा सकता तुसी गेम नहीं भी खेल रहे तुसी फिर तुर भी रहे जे तुहाडा ध्यान उत्थे ही है तुसी उहनू हर चीज दसनी है मेरा बाप मेरी मां मैं इत्थे रहिंदा मेरा आईडी बंदा दसदा किन्नू कौन पुछदा वो गेम दे अंदर नहीं स्टाल है सारा कुछ नहीं वो तो है हां जी वो बंदा उस ट्रांस में कैसे आता है या तो मेरी बात सुनो या तो हो ना ऑनलाइन कोई गाइड कर रहा है या कुछ साथ चैट कर रहा है लाइव हां जी आप इसको पता तुमको हाइपनोटाइज किसे कहते हैं वो पढ़ी लिखी है उन्हें पता है लेकिन सोचने की बात तो ये है ना कि अगर जैसे सर कह रहे हैं कि वहां पे कोई पीछे फीडबैक के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए कोई नहीं है उन्होंने इंस्टॉल किया वह सारा टास्क अच्छा सार नहीं कहना कला सजाद कहना कला सजाद तकलीफ होनी तू मैं सार नहीं नहीं तकलीफ नहीं होनी मैं लग रहा है सर का जरा दायरा होंगे ना वो तो आता ही नहीं है हाँ तो क्या जैसे सज्जाद कह रहे हैं हाँ जैसे सज्जाद कह रहे हैं कि जो है इंस्टॉल है ऑलरेडी सब कुछ तो फिर वो ऑनलाइन जो कहा गया सर आपने भी सॉरी दो बड़ी हो गए हम बात कर यार इंस्टॉल है सारा कुछ इंस्टॉल में ही सारा कुछ अगले ने डाल दिया है जब उसको लास्ट जो होता है उसको जो टारगेट मिलता है उससे पहले जो टास्क होते हैं उसमें वो कैसे फैमिली के बारे में पूछता है और फिर ये कहा जाता है कि आप इसमें इंस्टॉल है क्वेश्चन क्या फैमिली के बारे में बताएं आप बता मैं आपको बताता हूं मुझे ये बताएं कि अगर 100 बंदा एक टाइम में खेल रहा है तो 100 को कौन बता रहा है ठीक है जी ये उन्हें तखलीक इदा की है सारा कुछ उन्हें इंस्टॉल किया बंदा पूछे 10 मतलब आप क्वेश्चन पूछेंगे काफी ऐसी बातें निकल आती हैं क्या मतलब जॉब के बारे में और इस तरह के पेरेंट्स के रिलेटेड यही सवाल पूछेंगे और क्या यार उन्होंने उत्थे खाने देखो ना यार मैं कंप्यूटर ते काम करता ना सॉफ्टवेयर हुंदे ने उहदे च ऑप्शनां हुंदियां ने उह मैनूं समझ आ रही कि उन्होंने उत्थे ऑप्शन दित्तियां ने कि जी इहदे च तुसीं दसो तुहाडी फैमिली च आया कौन आया कौन आया कौन उन्होंने वो टास्क उह सारा डिजाइन कीती गेम उह वसी लैवल ते डिजाइन कीती चले वसी लैवल लेकिन हुई तो डिजाइन ही है हां जी पिछे कोई लाइव तुहानूं तुहाडे नाल चैट नहीं कर रहा हुंदा बंदा ये कन्फर्म है लॉक कर देगा जाए हाँ जी कोई ग्रोह कोई अदारा नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं उस एप्लीकेशन है यार इंस्टॉल कर लो बस
ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਏਡਾ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲੀ ਗੇਮ ਦੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਗੇਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੁਤਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਕੁ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਸਟਾਲ ਹੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਇੰਸਟਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਯਾਰ, ਜੋ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇ ਹੀ ਉਨਕੀ ਲੜਾਈ ਚਲਤੀ ਰਹਤੀ ਹੈ, ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਕੇ ਲੋਗ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਸਟਾਲ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਗੇਮ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਰਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਹੋਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਜੀ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਿਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਨੇ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਕਹਾ ਥਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਆ ਉਹ ਬਤਾ ਰਹੇ ਬੜਾ ਹਾਰਟ। ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੰਸਟਾਲ ਕਿੱਡਾ ਹਾਰਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੇ ਆਪਸੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਾਰਟ ਇਸ਼ੂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਗੇਮ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਰਤਕ ਬਿਲੂ ਗੇਮ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਬਿਲੂ ਵੇਲ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗੇਮ ਦਾ? ਬਿਲੂ ਵੇਲ ਵੇਲ ਮੱਛਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੇਲ ਮੱਛਲੀ ਅਕਸਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰੀਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਲ ਮੱਛਲੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਿਲੂ ਵੇਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੋ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਟੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਥੀ, ਬਾਤ ਇਤਨੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵੋ ਬੇਨਕਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਮ ਚੱਲਣੇ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਡਲ ਕੇ ਕੈਸੀ ਗੇਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 50 ਟਾਸਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏ ਪਨਾਮਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੇ ਟਾਸਕ 'ਤੇ ਖੇਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਅਹਿਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੀਜੇ ਟਾਸਕ 'ਤੇ UK ਚਲਾ ਜਾਏ, ਚੌਥੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਪੰਜਵੇਂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਬਿਲੂ ਵੇਲ ਵਾਂਗੂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ ਪਲੇ ਸਟੋਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਮ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਲਿੰਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ 6ਵਾਂ ਟਾਸਕ ਹਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ UK ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਿਲੂ ਵੇਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਪਰ ਰੱਖੀ ਵਾਂ ਸੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ? ਨਾ ਜੇ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸੇ ਬਿਲੂ ਵੇਲ ਕਾ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵਕਫੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਜੀ ਮੌਜਮਾ। ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਐਸੀ ਕੌਨ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਸਨੇ ਦੀ ਮਿਲੀ? ਇਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਉਸਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਆ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਲੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ, ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆ, ਉਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਟ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਸਟ ਕੁਛ ਈਅਰ ਪਹਿਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਬ ਬੈਨ ਹੋਈ ਥੀ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਥੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੇਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮੇਂ ਵੋ ਲੋਗ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਦੇਖੋ, ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਆ,
मतलब डिलीट कर दें। वो क्या शेर याद आ गया, दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलो। डिलीट तो नाले होएगा ना कि अगर बैन तुसी करोगे ना तो ये फेक बड़े तरीके होंगे ने हैकर हाइकर जो होंगे ने बैन नू कर लेंगे ने जो तो उत्थे एक चीज मौजूद ही नहीं अवेलेबल ही नहीं है तो तुसी उत्थे जाओगे कहेगा जी नॉट अवेलेबल इत्थे है ही नहीं चलो नोट नीले रंग करा लो तो बिलू वेल नहीं बन जाती है करके लाड़े के सिर ते वेल वेल बिलू वेल यार बिलू कोई करैक्टर हो बिलू ना नहीं हों बिलू बार बार बिलू के ना दी वेल दौड़ती कोई ऐसी गल तेरी समझ बिलू जरा वेला करा ना बिलू वेल यार कोई मयारी कॉमेडी किया कर सज्जाद कमयारी कॉमेडी किया कर तुहाडा ना तुहाडा कॉमेडी दे हिसाब दे नाल जिहड़ा एक एक बंदे दी सेंस ऑफ ह्यूमर होंदा ना बहुत लैवल थोड़ा उस तो जो अगे गल निकल जाती ना बरीकी च वो तुहानू फिक्की लगती है नोटा दे रंग दे नां दी जिहड़ी वी वेल पिंक वेल लेकिन गेम का नाम तो ब्लू वेल है ना। अच्छा उहने बिलू वेल रख्या उहने मछली दे नां तो रख्या असीं अपनी वेल दे नां तो रख लिया ब्राउन वेल ब्राउन वेल सौ वाला कड़ा नोट होंगे लाल लाल आहो लाल ही होंगे सौ वाला होंगे रेड रेड हाँ रेड वेल बिलू वेल बिलू वेल कोई नहीं नहीं कोई नहीं चलो कोई नहीं तेरे को वेल है जी। ग्रीन वेल है पर्पल वेल है पर्पल वेल है पर्पल कौन सा नोट है पचास का पचास उन्हें अपनी कैपेसिटी ना दसिया बस पर्पल वेल है रेड वेल है अब वो गाना है ना कि पर दिल के पास तुम रहती हो यार पाकिस्तान में अगर सुसाइड हुई है तो वो मंजरे यहाँ पे क्यों नहीं आए नहीं पाकिस्तान में नहीं भी हुई लेकिन काफी मंजरे यहाँ पर आई हैं जो फॉरेन में सुसाइड्स हुई हैं और इंडिया में जो हुई है उसकी एक विक्टिम बच भी गई और यू शुड बी कॉल्ड द इन्फ्रेशन ऑफ द विक्टिम एक जो बच गई है सुसाइड करने से इंडिया में एक उसका इंटरव्यू जो है वो फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी काफी सोशल साइट्स पे जो है वो ब्रेक हुआ है उसके फेस के साथ खुदकुशी कर ली सी अपनी नहीं अटेम्प्ट की है बच गई पर वो छाल उन्हें मारती सी कुदरती बच गई छाल मारती हाँ जी लगाती सी जख्मी सी हॉस्पिटल आईसीयू में थी उसके बाद जब वो बच गई है स्टेबल हुई है तो उसका इंटरव्यू फिर लिया गया और भाई उन जिला सच उन जिला कितों मुंह से चढ़ गया अपना शाजिया अपना नबीला की रजवान मौजमा मैनू कंफ्यूज करी जा नहीं वो यार पूरी दुनिया उस गेम के पिछे पई है तुहानू कंफ्यूज कितों करता तुसी इंस्टॉल कर यार तू मैनू कर इंस्टॉल मेरे हर फोन च जिथे मर्जी आ कर दे स्टूपिड जी गेम है वो यार खुदा दा ना यार पूरी दुनिया के वक्त पिया अपने मोबाइल तुहाडे नैट ते चलदा नहीं मोबाइल ते पता नहीं सिम भी चलदी है कि नहीं सिम नहीं चलदी मैं चलदा हां इथों मोबाइल देखो तो लगदा चॉकलेट ते बटन लाए 88,000 का बेटे एक तो हर चीज का रेट दसन लग पे जुत्ती मैं 11,000 की ली आ शर्ट तेरा सारा कुछ वेच दियो तो मेरी एक शर्ट बनती है 88,000 कि 88,000 ए मोबाइल हाँ जी वाह क्या बात ये इतना महंगा क्यों है इसमें हाँ किसी बंदे को लेना सी ना 88,000 उन्हें वह ही देता बस ऐसे ही है सर नहीं बेटा मैं कैश लिया है 88,000 का मोबाइल कंपनी केड़ी गोरमे वाले का 88,000 का अल्लाह माफी देवे 88,000 का मोबाइल होता तुम गार्ड रखे होना नाल गरीब आदमी 1400-1500 मोबाइल बिलू वेल इंस्टॉल करो अच्छा कर लांगा तो फिर की हो जाएगा पंजाबी टास्क तुसी पहले दिन ही कर लेना तुहाडी मेहरबानी मैं आपका जो इशू आपने आज रखा मैं उसको पहले राउंड में रिजेक्ट करता हूं रीजन भी बताए ना रीजन ये है मैंने उनसे कल कहा कि तुमसे हुआ मुझे प्यार तो बोल ले चल झूठी मेरे घर में न्यूज़पेपर अब तक भी आता मीसनी मेरी गाल सुन मुअज्जमा मुअज्जमी मुअज्जमू इक्को अखबार लवाई मैं अपने घर च ओही रोज आउंदी मैं ओही पढ़ी जाना बस क्या बता रो मेरे बेड के बिल्कुल सामने टीवी लगा हुआ है मैं हर वक्त दूसरे को मैं उसको ऑन भी नहीं करता मैं टॉक शो फ्रेश न्यूज ओल्ड न्यूज न्यूज और टॉक शो मेरा हॉबस्तान है और मैंने तो नहीं कहीं देखा तो अगर ऐसी कोई बात होती
एक मरतबा ऐसे हुआ कि मुझे याद है मैंने इसकी एक खबर पढ़ी कि इस तरह की कोई ब्लू वेयर वाली जो गेम है, उसके बाद तो मैंने कोई भी नहीं पढ़ी। इसके बाद 24 चैनल्स और बाकी काफी चैनल्स ने इस पर प्रोग्राम किए हैं, पूरे उनका एक एक प्रोग्राम जो है वो इस गेम के ऊपर बेस था। शायद आपने फिर वो नहीं देखे होंगे, सरेआम और इन टीम ने भी, इंकशाफ टीम ने स्पेशली 24 न्यूज की, इन्होंने उस पर पूरा प्रोग्राम किया गेम पर, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज पे जाके उन्होंने इंटरव्यूज भी लिए स्टूडेंट। यार पूरी दुनिया के मशहूर हुई है गेम, तुसी नहीं सुनी थे मतलब ठहर जा, मैंने मोची को रिश्ता पक्का कराया होता, मैं कहने मैं तू सही कहने मैं मानता के होएगा, लेकिन खुदकुशी कर दे, लेकिन इतना इस गल हाईलाइट करने का की मतलब। सर उस गेम का मेन इशू ही है कि खुदकुशी करते हैं लोग, अगर खुदकुशी ना करते होते तो फिर का तो मसला बनना सी, हजारा गेम लोग खेल रहे हैं, असल प्रॉब्लम ही है, तभी तो हाईलाइट हुई है गेम ना। जो वक्त हुआ एक छोटी सी गेम का, मिलते हैं एक छोटी सी हाईलाइट के बाद। नाज़रीन सज्जाद, हम इस वक्त दिल की बीमारियों के बारे में बताएंगे। जी हेलो, चाचा बूटे वाला प्रोग्राम जी। हेलो हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बूटा जी, मैं मोहम्मद अरशाद बोल रहा जी। जी अरशाद साहब, किदा कॉल की? मैं जी बाबा जी फौत की कॉल की थी। जी मैं जी बूटा जी डॉक्टर हाँ, डंगर डॉक्टर। माशाल्लाह जी, हुक्म डंगर साहब। मैं डॉक्टर हाँ जी, डॉक्टर साहब डंगर डॉक्टर। ओ जी हो गया है, हुण की मैं तुहानू डंगर कहना डफे बाज आओगे? हाँ जी बूटा जी, एक बंदा मेरे को पेशेंट लेके आया, गधा। गधा? हाँ जी। अच्छा फिर? यानी एक तरफ उसका घर, अच्छा एक तरफ तू गधा। मैं बूटा जी ओदे ना मतलब ओनू को मसला सी, मैं ओदे बाजू च लाया टीका जी। मैं लाया जी टीका। अगले बाजू च के पिछले च? की मतलब? मतलब के तुसी टीका ओदे अगले बाजू च लाया के पिछले च? पिछले च लाया जी, असल च ओदा जिगर खून नहीं सी बनाउंदा। अच्छा। ओनू पठे नहीं सी लगदे, यानी के जिदा हुंदा ना। हाँ जी हाँ जी। आ जिदा बंदे नू खुराक नहीं लगदी, समझ गए ना जी। हाँ जी, ओनू पठे नहीं सी लगदे। मैं सुन रही हां आप? जी सुन रही हूं जी। जिदा तुहानू भी किस टाइम नहीं रोटी हजम करदी होनी जी, कमजोरी भी ओनू हो गई सी, मतलब जिदा तुसी नहीं जिदा माड़े जे एनजीओ भी सी, मतलब तुहाडे वाला हिसाब सी बिल्कुल। ओ मैं ओनू लाया एक टीका, ओ लग गया गलत। अच्छा। ओ ते मालक ने मेरे ते करता केस जी। जिदा तुहानू कोई टीका गलत लाए जाए तुहाडे घर दे केस कर देन डाक्टर दे जी। अखा ओनू खारिश भी पई सी, जिदा तुसी नहीं कर कीती हुणे, इंज ओनू खारिश भी हो रही सी। ते मैं जनाब देखो गल ए है आहो जी, कि डाक्टर को भी मिस्टेक हो जांदी वादा घाटा दवाइयां दा जी। ओ मालक ने मेरे ते केस करता जी, कहिंदा दवाई इहने गलत दे के मेरा खोता मारता जी। ओ जदों मर गया जनाब, ते मेरे नाल ही एक खूह हैगा, असी ओ खोता चुके आ ते खोता खूह च पाता। तो आप उसके पास कोई प्रूफ है कि खोता आपने ही मारा? बीबी देखो हुण बूटा जो किसे डाक्टर को टीका लवाउंदे ही मर जाए ते डाक्टर ते पैणा यही हिसाब आ। ओ मुआजमा की बात का जवाब दो ना जी। जी की जी? मुआजमा कह रही है कि तुहानू अपने किसी अजीज भरा या बाप नू दवाई देन लग्या सोचना चाहिदा सी के की है। नहीं मेरा ख्याल बच्ची ने कहा भी उन्हां को की सबूत आ के भी खोता तुसी मारिया। हां जी बूटा जी, खोते नू जदों रेहड़ी अगे जोया हुंदा ओदियां ऐणकां भी हुंदियां ने। आ वेखी इहनू इहने ओदियां ऐणकां मेरियां ना मिलाउणियां। अज तां तुसी नहीं लाईयां ऐणकां? हां जी हां जी बिल्कुल। आपको मुआजमा की बात समझ में नहीं आ रही? ओ देखो ये कैसा दौर आ गया कि एक भाई दूसरे भाई का कातिल हो गया है जी। होना नहीं नहीं कोई नहीं, मैं माधर चाहना गल है जी कि खोता मेरे क्लिनिक च मरिया और मेरे सामने मरिया। तो जरूरी तो नहीं आपकी मेडिसिन से ही मरा हो? ओ नहीं नहीं, मेरी दवाई नहीं मरिया, मैं असल च मैनू पता ना मेरी दवाई नहीं मरिया हो। तो उसने कोई लीगल टेस्ट वगैरह करवाए जिससे वो आपको केस कर रहा है? आप पे कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पास? ओहो जो तो मेरे मुंह निकल गया कि यार मेरे को गलती हो गई, दवाई गलत देती, तो लाख रुपये का खोता कही जाता हूँ पेपर क्या तो फिर भुगतो भाजी पर लाख रुपये का नहीं ना, उन्हें कहा या लाख दे दे या इदा का खोता दे दे। मैं उन्होंने थोड़ा प्रोग्राम एक वहाया, मैं क्या देख, उन्हें कहा नहीं यार माड़ा। मैं कहा देख ला वे तेरी मर्जी, लाख रुपया बहुता। फिर आपने? जी जी मैंने खोता साबित करने में काफी कोशिश कर ली? जी 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 है, नहीं नहीं आप तो को वकील है जरा खोतिया का केस लड़ता हुए? हाँ जी हाँ जी, तो केस मैं आप बताते खुद लड़ांगा। ओ, मेरा नहीं तुहाडे भरा दा? ओ नहीं यार भाई मेरा भरा दफा हो जाओ, मैं तेन ब्रॉडकास्टिंग के विचों जुतियां मारने।
ਬਾਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਸਾਹਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਡੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਛੈਂਟਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਬਹੁਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਹਾਂ ਬਾਈ ਮੌਜ਼ਮਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਦੱਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਕਬਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਦੱਸ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਜੇ ਕੋ ਕਿਆ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹ ਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। ਕਿਆ ਕਿਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅੰਕਲ? ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਰਤਾ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਕਬਰ ਕਾ ਰੇਟ, ਕਬਰ ਕਾ ਰੇਟ ਬਤਾਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਰੇਟ ਸੋਚ, ਕਿਤਨਾ? 80,000 ਤੱਕ ਸੇ ਔਰ ਇਸਸੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕੀ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਲਾਵਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। 80,000 ਰੁਪਇਆ ਕਬਰ, ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਕਬਰ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਆ ਉਹਨੇ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, 80,000 ਰੁਪਇਆ ਕਬਰ ਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਪਰ ਕਬਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਫਿਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੀ 40,000 ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾ ਲਈ, ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਬਸ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ? ਆਹੋ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ? ਬੇਟੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਰਹਿਮ ਮੰਗ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੂ ਨਾ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਰੇਟ ਬਤਾ ਰਹੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ। ਆਹੋ ਤੇ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਵਰ, ਔਰ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੀ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਡਬਲ ਮੀਟਰ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੀ, ਦੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ? ਸਹੀ ਗੱਲ, ਅਨ ਕਰੀਬ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ। 80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਵਰ, ਰਹਿਤਾ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀ ਕਵਰ ਹੋਏਗੀ? ਮੌਸਮਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਬਾਤ ਪੇ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਕਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਤੂੰ। ਉਹ ਬੀਚ ਮੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ, ਅੰਦਰ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਉਹ ਜੋ ਆਪ ਟਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ 40,000 ਮੇਂ ਆਦੀ ਕਬਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣ, ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਦੱਬ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40,000 ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਚਾਲੀ ਚਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦੱਬ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨ ਕੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦੋ ਮੁਰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਜੱਫੀ ਪਵਾ ਕੇ ਸਵਾ ਦਿਓ, 40 ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ, 40 ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। 25,000 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 80,000 ਰੁਪਇਆ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਫੌਤਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਚ ਇੱਕ ਫੌਤਗੀ ਪੈਂਦੀ, ਮਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਆ। ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕ ਸਾਥੀ ਸੁੜਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਜਾਦ ਮੌਜ਼ਮਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਚਾਚਾ ਬੂਟੇ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਜੀਏ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।